आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए, तिरंगा मार्च बाइक रैली का समापन हो चुका है, उसके बाद क्या कुछ सीएम की तरफ से कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मौन मार्च, आजादी की उस विभाजन की त्रासदी को स्मरण करते हुए उस एग्जीबिशन के साथ जुड़ने के लिए आज सायकाल 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच हर जनपद में ये मार्च निकाला जाएगा। यानी ये कार्यक्रम इस बात की गवाही दे रहा है कि हम क्रमबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। कल देश की आजादी का अमृत महोत्सव उल्लास और उमंग के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। लगातार कार्यक्रम चलेंगे, सरकारी भवनों को जिस प्रकार से डायनेमिक फसाड़ लाइटिंग के साथ जोड़ा गया वह दर्शनीय है। प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए एक अमृत काल हम सबके सामने निर्धारित किया है कि आगामी 25 वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, हमें अपने भारत को कहां ले जाना है। एक समृद्ध और सुरक्षित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास उतने ही सार्थक परिणाम हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए, जब आपने ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तरीय इस तिरंगा मार्च के माध्यम से आप सब होमगार्ड के 90,000 जवान और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, कभी भी राज्य सरकार ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हर स्तर पर सम्मान देने का कार्य भी किया। मेरे पास जब 2 वर्ष पहले प्रस्ताव आया था कि होमगार्ड के ऋतिक परेड में अगर आप आ सकें, मैंने कभी क्यों नहीं आऊंगा, और मैं स्वयं उस परेड में भागीदार बना था। मेरे सामने प्रस्ताव आया था होमगार्ड के जवानों को मात्र 300 रुपये भत्ता प्राप्त होता था प्रतिदिन का। हमने कहा इसको बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और फिर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जवानों को भत्ता उसी प्रकार से आज प्राप्त हो रहा है जैसे पुलिस कार्मिकों को प्रदेश के अंदर प्राप्त होता है। यही नहीं, होमगार्ड के जवानों के लिए अगर किसी दुर्घटना का शिकार दुर्भाग्य से हो गया, बीमा का कवर नहीं था, हमने कहा राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 5 लाख रुपए उस परिवार की सहायता के लिए उपलब्ध करवाए। और मुझे प्रसन्नता है कि जब से व्यवस्था हुई, यद्यपि हर व्यक्ति की मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन शासन के स्तर पर क्या सहयोग हो सकता है, 800 से अधिक होमगार्ड्स के परिजनों को इस प्रकार की सहायता 5 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा जो अनुमन्य सहायता थी उन परिवारों को इस दौरान प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर बीमा का कवर देने का हो या फिर समय समय पर प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएं, राज्य सरकार इन सब के साथ जुड़ी हुई है। लोग बार बार बोलते थे कि होमगार्ड के जवानों का अब उपयोगिता नहीं, मैंने कभी उपयोगिता क्यों नहीं है, वे जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी उपयोगिता हमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था के साथ उनका योगदान हम ले सकते हैं। हम विभिन्न आयोजनों में, पर्व और त्योहारों में उनका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी अन्य स्थल की व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो देखिए, लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर तिरंगा मार्च बाइक रैली का समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी उनकी तरफ से किया गया। और अपने संबोधन में कोविड को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाने की कोशिश, लोगों से अपील की गई कि सतर्क जरूर रहें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।